देखिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और अपना रस्सा त्रिपाल पूरा कंप्लीट हो गया, तो बढ़िया से रस्सा त्रिपाल कर दिए हैं। अब चलते हैं काटा करने के लिए, क्योंकि आज संडे का दिन है तो उतना भीड़ वगैरह नहीं यहाँ पे, तो हमारा काटा हो जाएगा। तो देखिए रस्सा त्रिपाल किए हैं तो पूरा पसीना से पूरा हालत खराब हो गया, देखिए पूरा हाथ में छाला हो गया। तो ये रस्सा त्रिपाल वाला जो काम है ना, बहुत मेहनत वाला काम है भाई। तो अभी हम कमेंट पढ़ रहे थे, तो रोहित का लाइसेंस के लेके बहुत सारा कमेंट आया हुआ है। तो अभी हम हजारीबाग परिवहन विभाग के अंडर से बात कर लेते हैं, अब पूछते हैं कि रोहित का लाइसेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये हमारा सरप्राइज गिफ्ट रहेगा रोहित को देने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और पिछला ब्लॉक में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग हल्दिया आए हुए थे लोडिंग करने के लिए। तो हम लोग 2 बजे रात पंप से चले थे, रात में हम लोग का गाड़ी हल्दिया डक में घुस चुका था, काटा वगैरह सारा हो गया था। ये देखिए बगल में गाड़ी इधर लगा के यहीं पे सोए हुए थे। अभी 7 बज गया है और आगे हम लोग को चलना है लोडिंग करने के लिए। तभी आप देख सकते हैं सुबह सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई। ये रहा हल्दिया डक का भी मौसम, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग सो के उठ गए हैं जल्दी ही, क्योंकि गाड़ी हम लोग को लोडिंग पॉइंट पर लगाना था और बगल में कैंटीन है, जा रहे चाय नाश्ता वगैरह सारा पैक करवा लेते हैं। और अपना विकास भाई जो था वो तो बाहर में रह गया, क्योंकि यहाँ 2 ही आदमी अलाउड था, एक ड्राइवर है हेल्पर, तो हम और रोहित आए हुए हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ से नाश्ता लेते हैं और निकलते हैं, और जहाँ हमारा गाड़ी लोड होगा वहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि हमारा गाड़ी में कोयला लोड होना है नेपाल का, तो हम लोग को रस्सा त्रिपाल सारा करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी देखिए सुबह के 7 बज चुके हैं, हम लोग उठ चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी चाय नाश्ता करने के लिए। चलते हैं चाय नाश्ता करने के लिए, चाय नाश्ता उस्ता करके फिर हम लोग को जाना भी पड़ेगा अंदर के लोडिंग करने के लिए। यहाँ से हम लोग का कोयला लोड होगा। तो देखिए कैंटीन आ गया हम लोग चाय पीने के लिए। देखिए दोस्तों अभी चाय उ पी के आ गए हैं और अभी नाश्ता ले लिए हैं, जा रहे हैं गाड़ी में, कहीं कभी बुला भी सकता है कभी भी। तो हम लोग को नाश्ता उस्ता रेडी करके रखना है। और देखिए फिल्टर पानी बोतल का 20 रुपया वाला डो, मतलब 2 लीटर का आया है, 30 रुपया लिया, 30 रुपया लिया। तो अभी चलते हैं गाड़ी के पास। तो दोस्तों यहाँ से गाड़ी अब हम लोग को दूसरा प्लॉट में लेके जाना पड़ेगा, मतलब 1 किलोमीटर बगल में ही बहुत सारा प्लॉट है, तो वैरायटी वैरायटी का यहाँ पे कोयला खाली होता है, तो कौन सा कोयला लोड होगा पता नहीं, लेकिन जहाँ पे ट्रांसपोर्टर भाई बुलाया वहाँ पे गाड़ी लेके चलते हैं। दोस्तों अभी गाड़ी लेके निकल चुके हैं और जा रहे हैं जहाँ लोडिंग होना है हमारा गाड़ी। तो आप देख सकते हैं इधर पानी जहाज जो अन्य अन्य देशों से आया हुआ है हल्दिया डक में माल लेके, कितना सुंदर नजारा है भाई, इतना बड़ा पानी जहाज की कहना नहीं। देखिये कितना ये माल गाड़ी वाला पानी जहाज है और देखिये बड़ा बड़ा क्रेन से खाली हो रहा है। अभी चलते हैं आगे, यहाँ पे हर देश से आता है माल, कुछ ना कुछ माल आता है, लोहा हो गया, कोयला हो गया, पत्थर हो गया, और भी बहुत सारा आता है भाई, उतना हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हमारा गाड़ी में कोयला लोड होगा। ये देखिए कितना बड़ा नाव है, बाप रे बाप। उधर भी देख लीजिए सारा जगह पानी जहाज ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब लोडिंग पॉइंट पहुंचते हैं हम लोग। दोस्तों अभी आ चुके हैं लोडिंग पॉइंट पे और बगल में गाड़ी खड़ा कर दिए हैं, तो यही प्लॉट से हमारा गाड़ी लोड होना है। और रोहित जो है बत्ता वगैरह सारा लगा दे रहा है, देखिए 2 त्रिपाल था वो ऊपर में रख दिया, ये चारों बत्ता लगा के इसका जो डाला है वो भी लगा देते हैं। और ये देखिए यहीं से गाड़ी लोड होगा भाई, लेकिन अभी हैड्रा आया नहीं है, अभी हैड्रा आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक जो है अपना सारा काम कम्प्लीट करके रख लेते हैं भाई। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा काम है इसको कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अभी हम लोग तो डाला उला बत्ता उत्ता लगा लिए, डाला उला लगा लिए, अभी जा हम लोग का यहाँ यहीं से लोड होगा, यही माल कोई माल होगा तो यहीं से लोड होगा, काहे कि जो ट्रांसपोर्टर है जो यहाँ का सुपरवाइजर है वो बोला यहीं पे रुकने के लिए, तो हम लोग यहीं रुके हुए। देखिए कब तक माल हम लोग का लोड हो जाते हैं, यहाँ से लोड होने के बाद ही निकलेंगे, काहे कि त्रिपाल उरपाल मार के फिर कांटा पे जाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और हम लोग का लोडर आ गया है, हम लोग का गाड़ी के लोडिंग पॉइंट में लगा दिए हैं। और ये हमको समझ में नहीं आ रहा, जो कोयला है ना पत्थर है, नहीं नहीं विदेश का कोयला है, हम लोग तो बोला है जो विदेश का कोयला लोड होगा और रक्सोल नेपाल बॉर्डर तो वहीं पे जाएगा। और 3100 रुपया टन दे रहा है भाड़ा, तो क्या खराब दे रहा है, लोड कर लेना चाहिए। तो ऐसे भी तो हम लोग जाते गोरखपुर, गोरखपुर नहीं, हम लोग यही भाड़ा अच्छा लगा तो हम लोग लोड कर ले रहे हैं। देखिए दोस्तों अभी लोडर से तो लोडिंग होने लगा है हम लोग का गाड़ी, और यहाँ से लोड हो जाएगा, हम लोग बोले हैं 35 टन माल, और भाड़ा भी अच्छा बनेगा, क्योंकि 35 टन का इसका पासिंग है हम लोग का गाड़ी का, तो 35 टन माल लेना जरूरी है। इतना कम माल लीजिएगा तो भाड़ा कम बनेगा, इसमें तेल भी है, खर्चा भी है, 3-3 आदमी है,
यही चलते अपना 35 टन माल लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तो हम लोग का गाड़ी तो लोड हो गया, लोडर से लोड कर दिया और जा रहे हैं हम लोग अभी रस्सा तिरपाल करने के लिए। अब रस्सा तिरपाल करेंगे काहे कि शॉर्ट का रस्सा तिरपाल बांधना है, काहे कि इसमें इतना हेवी बांधना जरूरी नहीं है, चार चार हुक में फंसा देना है और बांध देना है। तभी बांध उनके यहाँ से जाएंगे कांटा, कांटा करवा के फिर वहाँ खड़ा करेंगे, फिर बिल्टी देगा, बिल्टी देने के बाद निकलेंगे। और विकास भाई भी हम लोग का मतलब रात भर से बाहर में है, काहे कि यहाँ तो 3 जन का अलाउ नहीं है ना, यही चलते बाहर में है। देखिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और अपना रस्सा तिरपाल पूरा कंप्लीट हो गया, तो बढ़िया से रस्सा तिरपाल कर दिए हैं। अब चलते हैं कांटा करने के लिए, क्योंकि आज संडे का दिन है तो उतना भीड़ वगैरह नहीं यहाँ पे, तो हमारा कांटा हो जाएगा। तो देखिए रस्सा तिरपाल किए हैं तो पूरा पसीना से पूरा हालत खराब हो गया, देखिए पूरा हाथ में छाला हो गया। तो ये रस्सा तिरपाल वाला जो काम है ना, बहुत मेहनत वाला काम है भाई, मतलब ट्रक लाइन जो है बहुत मेहनत वाला काम है, तो सभी लोग इसमें सक्सेस नहीं हो पाता है, और खासकर हेल्पर जो है। बहुत सारे भाई लोग का कॉमेंट आता है हमारे वीडियो में कि भैया हमको ट्रक सीखना है, हमको हेल्परी करना है। तो भाई हेल्परी करना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि हेल्परी करने में सालों साल लग जाता है, और इसमें एक एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, रस्सा तिरपाल से लेके टायर खोलना, गाड़ी का साफ सफाई रखना, अगर कुछ माल भी रह जाता है डाला में तो अपने से भी साफ करना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, इसीलिए हम ज़्यादा थक चुके हैं, अब चलते हैं भाई यहाँ से और पहले कांटा करवाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो विदेश का नाव है ये देख सकते हैं आप लोग, विदेश का नाव है। अभी हम लोग जो हल्दिया में हैं, तो हम पहली बार ऐसा बोट बड़ा देख रहे हैं अपना आंख से, मतलब तो वीडियो में तो देखबे किए हैं लेकिन अपना आंख से बड़ा बोट नाव जो हम देखे, पहली बार देखे। ये विदेश का नाव है, अमेरिका से आते हैं, रूस से आते हैं, यूक्रेन से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं, ये सब जहाज विदेश का है, इंडिया का नहीं है। रोहित भाई को बड़ा बड़ा पानी का जहाज दिखा दिए हैं, अब चलते हैं कांटा वाटा कराते हैं, नाश्ता वगैरह सब पैक करा के रखे थे, अभी नाश्ता भी नहीं किया दोनों भाई हम लोग। और मेरा विकास बाबू जो है बाहर में ही है, उसका याद आ रहा है हम लोग को। चलिए अभी हम लोग निकल जाएंगे थोड़ा देर में, अभी विकास को भी ले लेंगे अपने साथ में। दोस्तों गाड़ी अभी कांटा के जाम पे लगा चुके हैं, और ये देखिए नाश्ता जो लेते थे वो नाश्ता भी निकाल लिया है रोहित। दोस्तों अभी नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता हम लोग तो लोडिंग कर लिए, तिरपाल उरपाल बांध लिए, नाश्ता करके फिर अपना जाम में कब तक जाम खुलेगा कोई भरोसा नहीं, कहेगी कांटा का लंबा जाम है, तो वही जाम देख रहे हैं, तो यही नाश्ता कर ले रहे हैं अपना, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, भी नाश्ता भी करते रहेंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, रोहित कर रहा है नाश्ता, हम भी कर लेते हैं फटाफट। देखिए दोस्तों, अभी गाड़ी लेकर तो हम चल रहे हैं, लंबा लाइन लगा हुआ है फैक्ट्री के अंदर में, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, क्योंकि सरकारी फैक्ट्री है ना, और बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है, 1.5-2 किलोमीटर लगभग लाइन लगा हुआ है। तो पंकज भी ज्यादा थक गया, रात भर मतलब परेशान हुए थे, रात भर मतलब लगभग वही 1.5-2 बजे गाड़ी घुसे हुए फैक्ट्री में, हम भी तो नींद में थे, फिर कांटा उठा हुआ, फिर इधर आए, वही लगभग 4-5 बज चुके थे, भोर हो गया था इधर। तो पंकज भी अभी सो नहीं पाए, हम भी बढ़िया से नहीं सो पाए, पंकज भी अगर हाथ में छाला पड़ गया, पैर भी दर्द कर रहा है, नींद भी लग रहा है, तो यही चलता हम बोले पंकज भी आप सोइए, हम गाड़ी चलाते हैं। देखिए दोस्तों, दिन के 12 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं कांटा पे, तो रोहित यहां से गाड़ी लेकर आया और अभी हम कांटा पर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, तो कांटा होने के बाद तुरंत ही हम लोग निकल जाएंगे, तो बगल में कैंटीन भी है, पहले कांटा करवा लेते हैं, उसके बाद हम और रोहित भाई खाना खाते हैं आराम आराम से। देखिए दोस्तों, अभी तो हम लोग का कांटा उटा हो गया गाड़ी का, और हम लोग यहाँ पे कैंटीन का बगल में लगा दिए हैं, अब हम लोग को यहाँ सही टाइम में हम लोग का कांटा हो गया है, तो आज संडे है, संडे का तो यदि 3-4 बज जाता ना कांटा करने में तो भी पेपर नहीं मिलता, लेकिन सही टाइम को काटा हो गया, पेपर मिल जाएगा आज को, तो यहाँ से निकल जाएंगे और खाना खाने कैंटीन है बगल में, खाना वाना खा लेंगे यहीं पे, और खा पी के आराम से पेपर तले मिल जाएगा, खा पी के निकल जाएंगे। देखिए दोस्तों, अभी जा रहे होटल खाना खाने के लिए, दोपहर का 1 बज चुका है, अभी हम लोग कैंटीन आ चुके थे, इधर से उधर घुस जा रहे हैं, ये कैंटीन है,
दोस्तों अभी कैंटीन पे आ चुके हैं और ये देखिए हमारा खाना लग चुका है। देखिए आज अंडा कड़ी और चावल दाल सब्जी, इधर देखिए रोहित का भी अंडा कड़ी आ गया है। चलिए ठीक है दोस्तों, खाना खाते हैं। देखिए दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं और हम लोग का गाड़ी का मतलब सील उल लग गया है, कस्टम का सील लगा है और ये भैया अभी मिले हुए हैं। तो अभी भैया है तो ये बाकुड़ा का है, तो अभी हमको बोला जो चलो चाय पीने के लिए, तो हम जा नहीं रहे थे, बोला जबरदस्ती जाने के लिए चलते हैं चाय पीने के लिए। और अभी तक हम लोग का पेपर ऊपर नहीं मिला है और प्योर मंगा लिए ना भैया है, तो चलो चाय खाती चलो 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 भैया। तो ठीक है आते हैं भैया के साथ चाय पी के। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और रोहित पैर हाथ धो के देखिए इधर अगरबत्ती वगैरह जला दिया है। तो अभी हम कमेंट पढ़ रहे थे तो रोहित का लाइसेंस को लेके बहुत सारा कमेंट आया हुआ है, तो अभी हम हजारीबाग परिवहन विभाग के वेंडर से बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि रोहित का लाइसेंस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो नंबर हमारे पास है क्योंकि हमारा सारा ट्रक का जितना भी पेपर होता है फिटनेस परमिट वगैरह सारा काम वही हमारा ही वेंडर करता है। तो चलिए एक बार फोन लगा के पूछ लेते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों लगाते हैं फोन। हेलो नमस्ते भैया। नमस्ते। 88.04 का मालिक बोल रहे हैं पंकज? बोलिए। जो हमारा फिटनेस का काम नहीं किए थे अभी एक हफ्ता पहले, बोल रहे ना कि एक हमारा हेल्पर है जामताड़ा का है, तो वो पूरा ट्रक चला लेता है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, बन जाएगा? एड्रेस कहाँ का है? जामताड़ा जिला का रहने वाला है। यहाँ नहीं बनेगा, हजारीबाग में नहीं बनेगा, यहाँ का एड्रेस चाहिए। मतलब कुछ ऐसा जैसे झारखंड का निवासी है तो कहीं भी बन सकता है? अब हर डिस्ट्रिक्ट में अलग कर दिया है अपना, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग कर दिया है। यहाँ पासबुक उसबुक है उसका बैंक का? नहीं नहीं पासबुक नहीं, जैसे इसके बाद आधार कार्ड है जामताड़ा का, और बोल रहे हैं कि इसका स्कूल का सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं है, तो कैसे क्या बनेगा ये बताइए। तो स्कूल का चाहिए ना, पैन कार्ड बनवा दीजिए। हाँ पैन कार्ड बन जाएगा, मतलब आधार कार्ड से पैन कार्ड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम बनवा देंगे। पैन कार्ड से लाइसेंस बन जाएगा? ओ पैन कार्ड से लाइसेंस बन जाता है भैया? हाँ बन जाएगा। तो जामताड़ा से भी बन जाएगा ना? तो कितना खर्च आएगा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में? ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में कितना खर्च आएगा? यहाँ लगता है 7,000। मतलब 6,000 या 7,000 रुपए लगेगा ना? हाँ। लेकिन ये जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन स्टेट झारखंड, ये तो कहीं से भी बनवा सकते हैं ना सर, ये तो बात है। तो हजारीबाग से बनवा दिए ना आप? बनाइएगा वहाँ वाला तो यहाँ ज्यादा पड़ेगा थोड़ा। तो क्या दिक्कत पड़ेगा, तो पैसा हम देंगे ना, आप बनाओ हजारीबाग से बनवा दीजिए। 8,000 बेसी पड़ेगा, हो जाएगा। मतलब यहाँ हजारीबाग बना दीजिएगा? बन जाएगा। चलिए ठीक है, अपना वाला आधार कार्ड दीजिएगा। ठीक, हम अपना आधार कार्ड दे देंगे, बाकी रोहित का क्या लगेगा जो मेरा हेल्पर है उसका? रोहित बोल रहे हैं, उसका आधार पैन कार्ड। आधार और पैन कार्ड दे देंगे जामताड़ा वाला ना, और बाकी मेरा स्थानीय मेरा आधार कार्ड से हो जाएगा ना। चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, हम बहुत जल्दी पैन कार्ड बनवा देते हैं, इसका आधार कार्ड बना हुआ है, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। ठीक है ठीक। तो दोस्तों अब सारा जो है मामला खत्म हो गया है, अब रोहित का आधार कार्ड है हमारे पास, अब सबसे पहले उसका पैन कार्ड बनाएंगे और हमारा जो वेंडर जो हमारा गाड़ी का काम करता है उससे हम बनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब जितना भी पैसा लग जाए, 6,000 लग जाए, 8,000 लग जाए, 10,000 लग जाए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, और ये हमारा सरप्राइज गिफ्ट रहेगा रोहित को देने के लिए, क्योंकि रोहित भी जब आया हमारा ट्रक में तो हम भी चाहते हैं कि रोहित एक सक्सेसफुल ड्राइवर बने, एक अच्छा यूट्यूबर बने, भविष्य में इसका यूट्यूब चैनल भी खोल के हम लोग देंगे। बस पहले ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवा देते हैं, फिर जब कोई ट्रक में चलेगा तो ये अपना हेल्पर रख लेगा और उससे अपना वीडियो वगैरह एडिटिंग करवाएगा और अपना चैनल चला लेगा। दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं और गाड़ी तो हमारा लोड हो गया था लेकिन पेपर मिला नहीं, तो कारण क्या है कि आज संडे है तो संडे को बंद रहता है, इसी वजह से अभी ट्रांसपोर्टर को फोन किए तो बोला भैया कल आपको पेपर मिलेगा। तो यहाँ पे जो है कैंटीन में दोपहर का ही खाना मिलता है, रात में मिलता नहीं है, तो अभी हम जो है दाल भात और आलू का भुजिया बना दे रहे हैं। तो देखिए इधर चावल चढ़ा दिए हैं और इधर आलू का भुजिया काट रहे हैं, हमारे पास आटा है लेकिन सब्जी नहीं है, तो हम रोहित को बोले रोहित चावल दाल और आलू का भुजिया बना दे रहे तेरे लिए और हम भी खा लेंगे, बाकी विकास जो है वो तो बाहर में है, वो तो होटल में खा रहा है और उसको रूम मिल गया ट्रांसपोर्टर भाई की जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, दाल भात आलू भुजिया बना देते हैं फटाफट। देखिए दोस्तों अभी रात के 9 बज चुके हैं और अभी हम लोग खाना पीना बना रहे हैं, हम लोग तो आज तो गाड़ी तो निकला नहीं, अब पेपर तो मिला नहीं है, संडे के कारण का चक्कर में हम लोग को पेपर नहीं मिला, इधर बन गया दाल भात भुजिया, आज दाल भात भुजिया बना रहे हैं। और कैंटीन में खाना नहीं मिलता है, दोपहर को खाली मिलता है चावल और सब्जी मिलेगा, रोटी वोटी नहीं बनाता है,
तो बंगाल है ना, तो रोटी खाता नहीं ज्यादा, चावल ही खाता है अधिक से ज्यादा बंगाल का आदमी। तो अभी हम लोग खाना बना रहे हैं, हम तो बोले थे जो कैंटीन में समोसा ही खा कर आ जाएंगे, यहाँ इतना धूल उड़ रहा है, इतना धूल उड़ रहा है यहाँ पे जो खाने बनाने का मन नहीं कर रहा है, हिचकिच लग रहा है कि एक थोड़ा गर्दा जगह है, तो आज तो निकला नहीं, फंस गए, कल सुबह निकल जाएंगे हम लोग। तो अभी खाना पीना बनाते हैं, और पंकज भैया बोल रहा है, हम तो बोल रहे थे जो खाना नहीं बनाएंगे, चलिए पंकज भैया समोसा वमोसा खा के रह जाएंगे, तो पंकज भैया बोला नहीं खाना बनाओ, भूखे नहीं रहना, समोसा वमोसा रात को नहीं खाया जाता, तो चावल और दाल कुछ भी बनाएंगे नहीं बनाएंगे नहीं। पंकज भैया बोला ठीक है, हम भी बोले ठीक है चलिए बनाइए कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर में शॉर्टकट खाना बना लिए हैं, शॉर्टकट खाना ही यहाँ से निकलेंगे तो फिर आराम से अपना कुछ बनाएंगे बाहर में। देखिए दोस्तों अभी रात के 10:30 बज चुके हैं, और अभी हम लोग खाना पीना खा रहे हैं, तो खाना पीना हम लोग का बना लिए शॉर्टकट खाना, वहाँ तो मिलेगा नहीं तो जल्द भूखे काए रहेंगे। अब पंकज भैया को बोले समोसा वमोसा खाने के लिए, तो पंकज भैया बोला नहीं समोसा वमोसा मत खाओ, अब काए समोसा खाएगा, चलो खाना बना लेते शॉर्टकट। खाना बना लिए तो बढ़िया लग रहा खाने के लिए, कि अपना ही फायदा हुआ है। चलिए ठीक है दोस्तों, इधर रोहित खाना खा रहा है, इधर हम भी खा लेते हैं, और खा पी के तो भाई सोना ही है, क्योंकि आज जो गाड़ी हमारा होल्ड हो गया। देखिए दोस्तों अभी रात के 11 बज चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, तो ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।